अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा असर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात। आज मैं आई हूँ अगेन एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसकी रिक्वेस्ट काफ़ी अरसे से ख़वातीन कर रही थी, ग्रुप में भी मुझे इनबॉक्स मैसेजेस भी आ रहे थे। और आज का हमारा टॉपिक है इंडक्शन ऑफ लेबर। तो विदाउट एनी डिले हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम समझ लेते हैं कि इंडक्शन ऑफ लेबर है क्या। इंडक्शन ऑफ लेबर मेडिकल टर्म है इंडक्शन, लेकिन इसे आम जुबान में कहा जाता है आर्टिफिशियल पेंस लगवाना। ठीक है, जैसे पेंस नहीं आए हैं तो अक्सर अमूमन आपने सुना होगा कि डॉक्टर कह रहे हैं एडमिट हो जाए, आर्टिफिशियल पेंस लगवाएंगे और उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करेंगे। अब इंडक्शन की नीड किन किन केसेस में पड़ती हैं, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और कितने मेथड्स होते हैं इन चीज़ों के, इस वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इसके बाद अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडक्शन की नीड किन किन केसेस में होती है। हर किसी को इंडक्शन की नीड नहीं होती है, तो कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें हमें इंडक्शन की नीड पड़ सकती है। अगर तो आपका वाटर बैग लीक हो चुका है, लीकिंग के साथ आप आए हैं, तो ऑब्वियसली डॉक्टर आपको घर तो नहीं भेज सकते हैं, तो उसके लिए पेंस नहीं है लेकिन लीकिंग हो गई है, तो हमें आर्टिफिशियल पेंस लगवाने पड़ सकते हैं ताकि जल्द से जल्द आपकी डिलीवरी हो सके। अगर पेंस हो और लीकिंग के साथ है फिर तो आप नेचुरली डिलीवर कर लेते हो, लेकिन अगर खाली लीकिंग है और पेंस नहीं है, डायलेशन नहीं है यूट्रस सर्विक्स की, तो फिर हम आर्टिफिशियल पेंस लगवाएंगे। या तो अंदर कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपको शुगर का मसला है, बीपी का मसला है, और मोस्ट कॉमनली कि आप टर्म पे पहुंच चुके हैं, मतलब जो आपकी ड्यू डेट है वो क्रॉस हो गई है या ड्यू डेट गुजर चुकी है और तब भी आपको पेंस नहीं आए हैं, तो डॉक्टर अपनी कोशिश करेंगे कि नॉर्मल डिलीवर आपको करवाया जा सके इंडक्शन के थ्रू। इसके अलावा अगर कोई और मसला है, जैसे बेबी की ग्रोथ रुक रही है या प्लासेंटा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ रही है जिसकी वजह से आपकी डिलीवरी अर्ली करवानी हो, जैसे 40 वीक्स तक वेट ना कर सकते हो डॉक्टर, तो इंड्यूस करवाया जाता है। अगर टर्म कंप्लीट हो गई है तो टर्म हम लोग काउंट करते हैं 40 वीक्स, वैसे तो 42 वीक्स होते हैं लेकिन हमारी कंट्री में 40 वीक्स तक टर्म काउंट किया जाता है। तो अगर आपकी ड्यू डेट क्रॉस हो गई है, आपको पेंस नहीं आए हैं, तो डॉक्टर आपको इस वजह से कहती हैं कि एडमिट हो जाए, कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल पेंस लगवा के नॉर्मली आपकी डिलीवर करवाने की। लेकिन पूछती हैं इंडक्शन होती कैसे है, इंडक्शन का तरीकेकार क्या होता है, तो आज हम लोग इस वीडियो में इस बारे में डिटेल बात करेंगे। इंडक्शन जो है यूजुअली चार तरीकों से की जाती है, इनमें से कोई भी तरीका आपके डॉक्टर को जो पसंद होगा वो अपना सकती हैं। नंबर वन इज मेम्ब्रेन स्वीप करना, अगर वो पसंद करें वो अपने हाथ की मदद से, फिंगर्स की हेल्प से, जो आपके एमनियोटिक सैक की जो मेम्ब्रेन्स हैं उन्हें थोड़ा उससे अलग कर देंगी ताकि पेंस आ सके। अगर वो नहीं तो फिर वाटर बैग आपका रप्चर करने की कोशिश की जा सकेगी, कि आपका जो मैन्युअली तरीके से वाटर बैग रप्चर किया जाए औजार की मदद से, ताकि आपको पेंस आ सके। अगर वो तरीका कार नहीं आपके डॉक्टर चूज़ करती हैं, तो फिर होता है दवाई रखी जाती है, अंदर दवाई रखी जाती है और कुछ कुछ घंटों के गैप से वो दवाई रखनी होती है, और फिर आपके पेंस जो है कॉन्ट्रैक्शंस मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग। फिर जो चौथा तरीका है, चौथा तरीका में ऑक्सीटोसिन नामी हार्मोन होता है, उसकी ड्रिप्स मिलती है, वो लगाई जाती हैं ताकि आपकी कॉन्ट्रैक्शंस तेज़ हो सके, पेंस आ सके और डायलेशन हो सके। अच्छा, ये मैं बता दूँ कि चारों तरीके एक साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मेथड आपके डॉक्टर चूज़ करेंगी। ठीक है, ये सब इंडक्शन के अंडर ही आते हैं, तो ये चारों तरीके एक साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं और इनमें से कोई भी तरीका आपके लिए कामयाब रह सकता है। हर डॉक्टर का अपना तरीका है, हर डॉक्टर हर अलग अलग चीज़ों को प्रिफर करते हैं, तो इस बारे में बहस नहीं की जा सकती है कि कौन सा तरीका बेहतर है, कौन सा तरीका गलत है, और हर केस अलग है, हर बॉडी अलग है, हर बॉडी हर केस के हिसाब से ही फैसला होता है। तो जैसा आपकी डॉक्टर कह रही है उस चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें आप लोग, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी मसला हो, वो फ़ौरन डील की जा सके। मैंने एक सवाल ख्वातीन करती हैं कि क्या नेचुरल पेन ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, नेचुरल पेंस बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हमेशा अपनी ड्यू डेट तक आपको इंतज़ार करना चाहिए नेचुरल पेंस का, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और कुछ खवातीन की फरमाइश भी होती है कि फ़लाँ डेट आ रही है, उस डेट पे हम करवाना चाह रहे हैं, फ़लाँ डेट पे बर्थडे है, शादी है किसी की, इस तरह के फरमाइशी प्रोग्राम भी चलता है, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपनी ड्यू डेट तक बिल्कुल इंतज़ार करना चाहिए कि आपको नेचुरल पेंस आ सके और आप लोग नेचुरली ही डिलीवर कर सकें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या आर्टिफिशियल पेंस जो हैं बहुत बुरे होते हैं और बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। तो देखें, इट इज़ लिटिल अनकम्फर्टेबल, और ऑब्वियसली
जो नेचुरल चीज़ है वो स्लो स्लो करके कॉन्ट्रेक्शन बढ़ती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल में अक्सर ऐसा हो जाता है कि एकदम से कॉन्ट्रेक्शन आने लगती हैं तो पेनफुल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है ना सबर मांगता है, इट रिक्वायर्स पेशेंस, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते आप कब तक प्रोग्रेस होगी और कब तक आप फ्री होंगी। तो ये पूरे प्रोसेस में घंटे भी लग सकते हैं या 12 घंटे से ऊपर भी टाइम लग सकता है और 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उनका यूट्रस सर्विक्स कैसा है और अंदर की फाइंडिंग्स कैसी हैं, जो आपकी डॉक्टर ही बेहतर बता सकती हैं आपको चेक करके। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर इंडक्शन फेल हो जाती है तो फिर क्या, अगर इंडक्शन से ये सब मेथड्स यूज करके प्रोग्रेस नहीं होती है तो एंड क्या है। तो देखिए, जब आप इंडक्शन के लिए आते हैं तो ये माइंड मेंटली तौर पर बनाकर आए आप अपना माइंड कि आपको घर नहीं भेजा जा सकता। एक बार इंडक्शन स्टार्ट हो गई तो यू कांट गो होम। तो एंड जो है इंडक्शन का, अगर तो नॉर्मली आपने डिलीवर कर दिया इंडक्शन के साथ तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर प्रोग्रेस नहीं हुई, कुछ लिमिटेड टाइम होता है, घंटे होते हैं, या फिर फीटल डिस्ट्रेस आने लगा, मतलब बच्चे को कोई मसला होने लगा, CTG आपकी ख़राब आने लगी, तो उस सिलसिले में एमरजेंसी C-section भी करना पड़ सकता है और एंड हो सकता है कि C-section पर ही हो। तो इस चीज़ का माइंड बनाकर आए। और दूसरी जो रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है इन्फेक्शन का रिस्क होता है, कि बार बार इंटरनल एग्जामिनेशन करने से और बार बार अंदर मेडिसिन रख रहे हैं, प्रोसीजर्स कर रहे हैं, उससे इन्फेक्शन ज़रूर हो सकता है यूट्रस में, या बच्चे तक इन्फेक्शन भी जा सकता है। खैर, जहाँ भी आप डिलीवर करवाएंगे, आई होप डॉक्टर जो और स्टाफ जो है इस बात का मुकम्मल ख्याल रखेंगे कि जो इंटरनली चेकअप्स हैं वो कम से कम हों और ताकि इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं ना हो, और एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती हैं साथ में। अब अमूमन ख़वातीन पूछती हैं कि इंडक्शन का जो है सक्सेस रेट कितना है। तो 75% केसेस में इंडक्शन जो है सक्सेसफुल होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब इंड्यूस करने वाले केसेस सी सेक्शन पे जा रहे हैं, नहीं, 75-80% केसेस में सक्सेसफुल जाती हैं और नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। कुछ केसेस में ऐसा ज़रूर होता है कि नहीं हो पाए, तो फिर एंड तो इसका सेकेंड ऑप्शन तो कोई है नहीं ना, फिर तो सी सेक्शन ही आपको करना है अगर इंडक्शन से प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो फिर एक अजीबोगरीब बातें सुनने में आती है कि हम घर में इंड्यूस कर लेते हैं खुद को, घर में पेंस लगवा लेते हैं, और कैसे लगवाते हैं, कैस्टर ऑयल पी के। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इट इज़ टोटली रॉन्ग। कैस्टर ऑयल जो है कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे पेशेंट को खुद डायरिया डिहाइड्रेशन हो सकती है, और इसके अलावा अगर पेशेंट को डिहाइड्रेशन और डायरिया नहीं होगा तो बच्चा जो है डिस्ट्रेस में जा सकता है, बच्चे की मेकोनियम पास हो सकता है, मतलब बच्चा अंदर स्टूल कर सकता है, जिससे एमरजेंसी सी सेक्शन हो सकता है, या फिर माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसे रिस्क मत लें, और इन सब चीज़ों से जितना हो सके आप लोग दूर रहें और अपने डॉक्टर की ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। सो एंड में मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी कभी भी जल्दबाजी का काम नहीं होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आपको नेचुरली पेंस नहीं भी आ रहे हैं तो अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से इंडक्शन की तरफ भी जाओगे तो उसमें भी सब्र चाहिए होता है, ख़ासतौर पर अगर आपका फर्स्ट बेबी है, आप प्राइमी है और ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है आपकी, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। जिनके 2-3 बच्चे होते हैं उनको टाइम कम लगता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें और जल्दबाजी कभी भी नहीं मचाएं। अपने पहले तो अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रिपेयर करें 9 मंथ में लेबर की तरफ जाने के लिए। नेचुरली है, अल्लाह की तरफ से है कि बॉडी चली जाती है लेबर में। 40 वीक्स अपने पूरा जो है ड्यू डेट तक वेट करना सीखें। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो, अगर अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अपनी डॉक्टर की ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और अपने डॉक्टर से ही उस बारे में मशवरा करें। जो आप डॉक्टर आपको मशवरा दे रहे हैं उसे गौर से सुने। अगर आपको अपने डॉक्टर पे नहीं समझ आ रही उनकी बात तो आप ज़रूर सेकेंड ओपिनियन लें, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इन चीज़ों को गौर देखें और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए हो सकते हैं। और अगर इंडक्शन फेल होती है तो सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है, इधर से जाते हुए मेंटली प्रिपेयर होकर जाए ताकि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो और आगे आपको भी परेशानी ना हो। तो आई होप मेरी वीडियो आप सबको पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो जो भी औरतें प्रेग्नेंट हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको पता हो, अपने आप को एजुकेट करें कि आगे आपके साथ क्या होना है और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी अगर नेचुरल पेंस नहीं आ रहे हैं तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे गौर ज़रूर करें और अपने आप को जितना एजुकेट कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करें। एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइस थी आज, तो इस चीज़ को ज़रा बेयर करिएगा। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।